दोस्तों, जब हम किसी ऐप और वेबसाइट पर विजिट करते हैं और वहाँ पे फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हैं तो हमें वहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी प्रोवाइड करना होता है। जब हम पहली बार वहाँ ईमेल आईडी देते हैं रजिस्टर करने के लिए तो होता यह है कि हमें उस वेबसाइट या उस ऐप की तरफ से बहुत सारे ईमेल्स आने लगते हैं। तो अगर हमें बहुत ज़्यादा ईमेल आने लगते हैं तो हम ईमेल को आने से रोक कैसे सकते हैं? तो इसके लिए आप उस वेबसाइट के ईमेल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अनसब्सक्राइब कैसे कर सकते हैं, चलिए चलते फ़ोन के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, ईमेल को आपको अनसब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले आपको ईमेल को खोल लेना है जिसे भी आपको अनसब्सक्राइब करना है। जैसे यहाँ पे मुझे ईमेल आया है फ्लिपकार्ट की तरफ से, मेक माई ट्रिप की तरफ से। तो जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर जाते हैं, अगर यहाँ पे ईमेल आए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में मुझे ईमेल ना आए फ्लिपकार्ट की तरफ से, तो आप यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे प्लीज़ क्लिक हेयर टू अनसब्सक्राइब नीचे एक ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पे प्लीज़ क्लिक हेयर, तो क्लिक हेयर के ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये नए पेज पर लेकर जाएगा आपको, और यहाँ पर आपको अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन मिल जाता है। कई बार ये ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब हो जाता है उस लिंक पर क्लिक करते ही। तो कई बार आपको यहाँ पे वेबसाइट पर जाकर आपको वहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन होते हैं उसे बंद करना होता है, या तो फिर रीज़न बताना होता है किस वजह से आप इसे अनसब्सक्राइब कर रहे हो। वहीं दूसरा है मेक माई ट्रिप का, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे अनसब्सक्राइब लिखा हुआ है। यहाँ पे अनसब्सक्राइब या तो फिर क्लिक हेयर या तो फिर पुट मी आउट, ऐसा कुछ भी लिखा रह सकता है। तो यहाँ पे अनसब्सक्राइब लिखा है, सिंपली हम अनसब्सक्राइब पर क्लिक करते हैं तो ये नया पेज लेकर आता है। यहाँ पे बता रहा है कि अनसब्सक्राइब करने के लिए कि यहाँ पे रीज़न आप बताइए कि किस रीज़न से आप अनसब्सक्राइब करने वाले हो। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल आते हैं या तो फिर रिलेवेंट नहीं है मेरे लिए, तो किस तरह के कारण के आप ज़्यादा ईमेल आ रहे हैं इस वजह से, तो किस तरह का आपका पर्पस है उस वजह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया उसको और यहाँ पे अनसब्सक्राइब पर क्लिक कर दिया। अनसब्सक्राइब हो गया है मेरा और यहाँ से अब मुझे कोई भी ईमेल नहीं आने वाला इन फ्यूचर। अभी अगर हम ईमेल की बात करें तो मुझे अब कोई भी ईमेल नहीं आएगा यहाँ पे मेक माई ट्रिप की तरफ से। तो इस तरह से बहुत आसानी आप किसी भी ईमेल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, जिसके बाद में आपको उस वेबसाइट या उस ऐप की तरफ से कोई भी ज़्यादा ईमेल नहीं भेजी जाएगी। वहीं पे आपको कई सारे ईमेल्स ऐसे आते हैं जिसमें आपको अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे ये पेटीएम का मेरा यहाँ पे ईमेल आया है, तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो अनसब्सक्राइब करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप कैसे बंद कर सकते हैं, तो आप पेटीएम में जाकर वहाँ पे ईमेल सर्विस को बंद कर सकते हैं नोटिफिकेशन, या तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो ब्लॉक पेटीएम का ऑप्शन है, तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। या तो ऊपर के थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट स्पैम कर सकते हैं। रिपोर्ट स्पैम करेंगे तो क्या होगा कि ये जो भी आपका ईमेल आएगा वो आपके यहाँ पे फोल्डर में चला जाएगा, यहाँ पे स्पैम फोल्डर में आप यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बॉक्स में नहीं देखने को मिलेगा तो आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो कुछ इस तरह से आप आने वाले अनचाहे ईमेल्स को अनसब्सक्राइब करके या ब्लॉक करके या रिपोर्ट स्पैम करके उससे बच सकते हैं। तो बस यही था वीडियो में, होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को तो अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।